ग्राम तुसार में आज नीलकंठ सोनी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की 13वीं मनाई गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ अनेकों भाजपा नेता तथा अन्य पार्टी के नेता भी सम्मिलित हुए। जहां पर नीलकंठ सोनी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपने पिता तुल्य मानकर आज उनकी 13वीं मनाई। यहाँ नेताओं के साथ ग्रामीणों ने भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जहाँ सभी लोगों ने नम आंखों से 2 मिनट का मौन धारण करते हुए उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की। छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने में अटल जी का सराहनीय योगदान रहा। उनकी अनेक उपलब्धियां बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन वह सर्वोपरि नेता के रूप में याद किए जाते हैं। वाजपेयी इस देश के प्रथम चहेते ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो भारत रत्न से विभूषित जीते जी हुए, और उन्होंने देश को हर प्रकार के हर संभव, उनके झोली में जितना था, उनके बुद्धि में जितना था, सारा उन्होंने ऊर्जा इस देश की प्रगति पर लगाया। 16 अगस्त को उनकी दिवंगत आत्मा हुई और अंतिम सांस उन्होंने एम्स में लिया 5:05 में, ऐसा सारे लोगों को विदित हुआ। तब से हम लोग भाव विभोर हुए और उनके वियोग की पीड़ा से छटपटाए, और अंत में कलश यात्रा आई और उनका अस्थि कलश सम्माननीय नीलकंठ सोनी जी के द्वारा लाया गया। हम लोग सब थे, उपस्थित थे, सबके इसमें साथ मिला, और शिवरी नारायण में हम लोग उसका अस्थि का विसर्जन किए 23 तारीख को। 22 को अस्थि कलश मिली शाम को, 23 तारीख को पूरे लोग मिल गए और सारे स्कूल के बच्चे भी आते थे रास्ते में जितना पड़ता था, और सब ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया पुष्प के माध्यम से। और आज उन्हीं की कृपा से 29 तारीख है, 16 तारीख को दिवंगत हुए। हम 13 के रूप में सम्मान्य नीलकंठ सोनी जी के यहाँ तुषार में सारे भाजपा कार्यकर्ता भी अन्य अन्य सभी लोग, सब सर्वदलीय चल रहा है, और उसी में हम लोग इसका पुण्य स्मृति के साथ इनको 13वीं दे रहे हैं। जयपुर से धनेश्वर साहू की रिपोर्ट, Clipper 28। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट Clipper 28।